हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका। भाई, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक पहुंचाते जाइए, क्योंकि आपका जो सहयोग है हमको बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। भाई, जो जो स्टूडेंट या जानने वाले या जितने भी लोग जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, भाई तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक शेयर करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए और अपने सुझाव और सजेशन कमेंट सेक्शन में देते रहिए, है ना। और जो जो क्वेश्चन मैं पूछता रह रहा हूँ उसका जवाब भी देते रहो, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बीच में पूछा था कि भाई ये पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। पृथ्वी का नहीं पूछा था, विश्व का पूछा था। तो विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, इस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो विश्व के सबसे निम्नतम बिंदु पर ज़्यादातर लोगों ने आंसर दिया मैरियाना ट्रेंच। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है डेड सी। पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु या लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज मारियाना ट्रेंच। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैरियाना ट्रेंच एंड डेड सी। डेड सी हम कब लगाएंगे, जब वर्ल्ड आएगा। वर्ल्ड मतलब विश्व, लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, जब हम बात करेंगे अर्थ का, तो आंसर क्या होगा, मैरियाना ट्रेंच। तो आपका आंसर मैरियाना ट्रेंच कब फिट बैठेगा, जब आप क्या लगाओगे, जब ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में होगा अर्थ का लोएस्ट पॉइंट। लेकिन वर्ल्ड का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा भाई, डेड सी होगा, इसे मत भूलिएगा। चलिए, ये तो मैंने उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को। पिछले टॉपिक में हमने साइक्लोन या चक्रवात लेके आए थे आपके लिए, है ना। वैसे तो सबकी जिंदगी में आजकल चक्रवात आया है, कोरोना नाम का, है कि नहीं। लेकिन इस चक्रवात की जब हम बात करते हैं तो ये अलग ही है, है ना। इस चक्रवात को अगर देखें तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में आपको चार नंबर तो दिला ही दिलाएगा ही, हो सकता है इससे ज़्यादा भी दिला दे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इसे किस तरह से पढ़ते हो, ठीक। पिछली क्लास के थ्योरी पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। अब आज हम इसी थ्योरी पर बेस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक एक करके यहाँ पर आपके साथ एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दो और दूसरों के साथ शेयर भी कर दो। चलो भाई, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों के साथ शेयर करोगे तो केयर होगी। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, कई बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो भाई पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ चाइना इज कॉल्ड टाइफून, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। यस, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। तो ये एकदम सही पॉइंट है भाई, है कि नहीं। वेस्ट इंडीज के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टोर्नेडो कहते हैं। वेस्ट इंडीज के रीजन में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसे टोर्नेडो कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट हम अभी रोक देते हैं, फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर है द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड विली विली, ठीक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे हम विली विली बोलते हैं, ये भी हमने एकदम सीधा सीधा देखा था, ये भी सही है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एन एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म रिजल्ट इन अ स्टॉर्मी वेदर, प्रति चक्रवात संभवता के परिणाम स्वरूप तूफानी मौसम की दशा होती है। तो भाई तूफान तो आता है लेकिन बारिश नहीं होती, इसे याद रखिएगा। तो ये भी सही है। तो देखो 1, 3, 4 तो है, तो 1, 3, 4 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, वो है ए वाला। तो भाई ए वाला ऑप्शन है, और क्योंकि ये वाला एरिया जो है वेस्ट इंडीज का एरिया आता है कैरिबियन सी में, तो वहाँ टॉर्नेडो और हरिकेन दोनों आते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। तो गाइज ऑल आर द करेक्ट, है ना, ऑल आर करेक्ट। तो ये याद रखे 1, 2, 3, 4 सब सही है, इसको ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना, इम्पॉर्टेंट था, आपके एनडीए के पेपर में आया हुआ है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन, इनमें से कौन सी चक्रवात की सही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं। हरिकेन्स आर वेल नोन
ट्रॉपिकल साइक्लोन भी डेवलप ओवर मिड लैटिट्यूड, तूफान हरिकेन प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मध्य अक्षांश में आता है। तो भाई देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो 23.5 से 23.5 मध्य मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं, 23.5 से 23। तो ये वाला वर्ड तो यहाँ पर फिट ही नहीं बैठ रहा है, मिड लैटिट्यूड। तो भाई ये मिड लैटिट्यूड वर्ड फिट नहीं, तो ये तो बाहर हो गया, बाहर कर दिया इसे। अब उसके ऊपर चलते हैं। साइक्लोन पोजेज अ सेंटर ऑफ अ हाई प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज आइसोबार, ठीक है। चक्रवात सनसेर संधार लेकर गिरे हुए उच्च दाब का एक केंद्र युक्त होता है। तो इसका केंद्र उच्च दाब का होता ही नहीं और आइसोबार से कोई लेना देना नहीं। भाई जो आई ऑफ साइक्लोन होती है वहाँ प्रेशर कैसा होता है फ्रेंड्स? स्लो होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई साइक्लोन जो होते हैं इस तरह से घूमते हैं भाई शक्तिमान कैसे, और बीच में प्रेशर होता है लो। बीच का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है भाई? बीच का प्रेशर होता है आपका लो, और भी बाहर आते आते प्रेशर हो जाता है हाई। इसके अलावा बताया था कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, बताया था। तो अब देखो यहाँ पर भाई बताया गया ये तो गलत हो गया। फिर द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नोन एज आई ऑफ साइक्लोन, फ्रंट साइड नहीं होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है आई ऑफ साइक्लोन, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? बचा एक ही बचा, वही सही। अब देख लेते हैं वो क्या है। टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद वेस्टर्लीज वेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो द ट्रेड विंड, एकदम सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, इसे रट्टा मार लो फिर आएगा पेपर में, ठीक। और वेस्टर्लीज के साथ, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपकी ट्रेड विंड को फॉलो करते हैं। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रेड विंड के रीजन में आते हैं, और आपका टेम्परेट साइक्लोन जो कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन में बताया था आपको, वो कहां पर आते हैं? वो आपके वेस्टर्लीज के साथ वेस्ट टू ईस्ट में आते हैं। तो ये एकदम सही है और ये आंसर आप करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग दौड़ाने वाला था, दिमाग के घोड़े खोलने वाला था, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, नहीं समझ में आया 2-3 बार एक्सप्लेनेशन देखो फिर भी ना समझ में आया, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और मुझे मैसेज करिए, है ना, ग्रुप पर मैसेज करिए। जो भी मैसेज आप करेंगे उसका रिप्लाई मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे कांटेक्ट करके क्या कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो, और ग्रुप पर जुड़ने पर आप फ्री हो मैसेज करने के लिए। जब मैसेज करोगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलो भाई, टेलीग्राम चैनल का नाम तो पता है ना, डिकोड एग्जाम डिफेंस, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी फॉर्मेशन को मैंने डिस्कस भी किया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषता पर विचार करिए, ठीक है। टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एकदम सही है भाई, बहुत सही चीज है ये, एकदम सही है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ 700 मीटर, ये भी सही है। वायुमंडल की अस्थिरता इनस्टेबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है। ये तीन आपको दिए गए हैं और इन तीनों को बोल के क्या रहा है कि इन तीनों के आधार पर इनमें से किस चीज का साइक्लोन के किस स्टेज के बारे में पता चल रहा है ना। उपयुक्त वर्णन विशेषता में निम्नलिखित में से किस विकास के किस चक्र से संबंधित है, साइक्लोन के किस लेवल को बता रहा है? तो भाई देखो, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल स्टेज, साइक्लोन की जो पहली स्टेज होती है उस स्टेज के लिए ये अवस्थाएं जरूरी हैं, है ना। मैंने पिछली क्लास में इसको डिटेल में समझाया है, नहीं यह समझ में आ रहा है तो पिछली क्लास के वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर मैंने एक पूरा स्टेटमेंट इस पर समझाया है, और अगर वो स्टेटमेंट समझ में आता है तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलो भाई, आसान सा क्वेश्चन था, बट लेकिन क्या है कि जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है वो इसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें वही कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी सही से पढ़ी। तो गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। कुछ ना समझ में आए मेरे से पूछो, ग्रुप पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइक्लोन, साइक्लोन इज अ सिस्टम ऑफ विंड ब्लोइंग, साइक्लोन एक सिस्टम है विंड का जो ब्लो करता है, वो कहाँ से कहाँ तक ब्लो करता है, ठीक है। तो अब देखो, साइक्लोन कहाँ से कहाँ तक करता है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये मैंने साइक्लोन बना रखा है, तो साइक्लोन तो एक सर्कुलर फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में चल रहा है,
अब देखो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द बांग्लादेश एनुअली, ये तो ऐसा है ही नहीं, कोई फिक्स जगह थोड़ी ना होती है। द इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ऐसा तो नहीं लो से हाई प्रेशर है, ठीक है। स्पायरल टूवर्ड लो प्रेशर रीजन, ये सॉरी हर जगह कट कट करने की आदत पड़ गई ना, तो ये गलत हो गया, ये सही है। आउटवर्ड फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन, देखो अब देखो स्पायरल ये दोनों दिया हुआ है, लेकिन टूवर्ड लो प्रेशर रीजन ये सही है, और स्पायरल आउटवर्ड फ्रॉम हाई मतलब हाई से लो की तरफ नहीं जाता है, लो से हाई की तरफ आता है, तो ये वाला एरिया एकदम सही है भाई। साइक्लोन ऐसे से घूमता है टूवर्ड लो प्रेशर रीजन, टूवर्ड लो प्रेशर रीजन, है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। चलो भाई अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और मैच करने को है, इसको मैच करना है और इसको मैच करिए। साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में क्या आता है आपका, आता है साउथ चाइना सी में टाइफून, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में क्या आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है आपका साइक्लोन। तो अब दो मैच हो गए, ए का 3 है ना और डी का 1, तो भाई ये दोनों तो बाहर निकल गए, अब बचा क्या, बचा आपका सी और डी। अब मैच करना है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है आपका टोर्नेडो, और अराफुरा सी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 2, और इसी के साथ ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, दोस्तों कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस आपको चीज़ों को मिलाना आना चाहिए, और अगर आप चीज़ों को मिला लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, क्वेश्चन मज़ेदार लगा तो भाई लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाते जाइए, आपका लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्यों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी हमारे इस वीडियो के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है, तो आप कहीं जहाँ से भी चाहें वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकिन पढ़ने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएट विद ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनमें से कौन सा गुणधर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए नहीं है। बिफोर द साइक्लोन अराइव द एयर बिकम वेरी स्टिल एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर हाई, ये तो एकदम सही है। एट द फ्रंट ऑफ अ वर्टेक्स अराइव गस्टी विंड डेवलप एंड थिक क्लाउड अपेयर, ये भी सही है। एज द कोल्ड फ्रंट पासेज द वेदर चेंजेस वेरी रैपिडली, अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं पिछली क्लास में, तो चलो इसको रोक देते हैं। द काम कंडीशन रिटर्न वेन द आई ऑफ साइक्लोन अराइव, ठीक है, जब आई ऑफ साइक्लोन आती है तो काम कंडीशन हो जाती है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई ऑफ साइक्लोन पर तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वहाँ लो प्रेशर होता है, सबको अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सी और डी में जब हम फंसे तो हमने डी को पढ़ा और डी से हमें आंसर मिल गया, भाई डी गलत है, सी सही हो गया फिर तो। तो भाई देखो ये तीनों स्टेटमेंट रट्टा मार लो, इसको ध्यान कर लो, क्योंकि दो तो मैंने बताया था, एज द कोल्ड फ्रंट पासेज द वेदर चेंज वेरी रैपिडली, कोल्ड फ्रंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वेदर बहुत तेज़ी से चेंज होता है, ये पॉइंट और आपके में जुड़ गया, ये मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, ये इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा समझ के करिए, ठीक है, लगाइए तो रट्टा ना मारी, समझिए कि बाकी तीन क्यों नहीं है, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन में समझा रहा हूँ, ठीक, ये क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट नहीं करता है गाइस। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड या रॉन्गली मैच्ड, तो देखो यहाँ पर कौन सा गलत तरीके से मैच हुआ है, सोचिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। मेरे साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। भाई पिछला लेक्चर जिन जिन लोगों ने देखा है साइमल्टेनियसली मेरे साथ क्या करे, आंसर देता रहे कमेंट सेक्शन में। टाइफून चाइना सी, एकदम सही। टोर्नेडो यूएस, एकदम सही। हरिकेन वेस्ट इंडीज, एकदम सही। विली विली कैनेडा, गलत। विली विली कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया। विली विली कैनेडा नहीं आता बल्कि कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये गलत मैच है। ओके गाइस,
आसान सी चीज थी, आपको समझ जाता, समझ में आ गया हो तो चलो भाई आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। एनडीए का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, मेरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ना। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम, एकदम सही है, बीच में लो प्रेशर होता है तो हम इसे लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। द विंड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इन द विंड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, साइक्लोन की जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड की स्पीड होती है वो क्लॉकवाइज होती है, तो भाई ये तो गलत है क्योंकि विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो भाई ये दो नंबर वाला तो गलत हो गया और एक नंबर वाला सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली वन। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था बट क्या है, समझोगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, विंड मूवमेंट इन क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइक्लोन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो भाई ये क्वेश्चन काफी इजी गोइंग क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। इट इज अ विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर, ये सही है। इट ब्रिंग अबाउट सडन चेंज इन वेदर कंडीशन इन एरिया, ये भी सही है, भाई सेंटर पे लो प्रेशर होता है वेदर को एकदम चेंज करता है। विंड मूवमेंट टुवर्ड द लो प्रेशर सेंटर ऑफ साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो भाई पिछले वाले क्वेश्चन की गलती यहाँ पर पकड़ में आ गई कि विंड का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, साइक्लोन का क्लॉकवाइज होता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये गलत है। इट इज नोन हरिकेन इन वेस्टर्न रीजन, सही है, तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सी वाला आपका सही जवाब हो गया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब यहां से आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए और एंटी साइक्लोन, देखो यहां पर आगे एंटी साइक्लोन के करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो देखो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में सब कुछ सिमिलर होता है, बस वो उसके अपोजिट चलता है, और खास बात क्या होती है, एंटी साइक्लोन में रेनफॉल नहीं होती है, साइक्लोन में रेनफॉल होती है। तो देखो यहाँ पर रेनफॉल वाला एक क्लॉज यहाँ पर आ गया, तो भाई ये तो बाहर हो गया, अब देखते हैं और क्या क्या बाहर होता है, तीन बाहर हो गया, तो देखो तीन बाहर होने से ये वाला स्टेटमेंट तो चला गया। ठीक, सॉरी, तीन बाहर होने से एक स्टेटमेंट चला गया, ये वाला तो है। ठीक, अब हमारा कुछ क्लियर नहीं हुआ तो हमें देखना है और क्या क्या है। सडन राइज इन बैरोमेट्रिक रीडर है, ये तो एकदम सही है, सडन राइज होता है। एयर मूव इन क्लॉक वाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉक वाइज इन सडन हेमिस्फीयर, एकदम सही है भाई, एंड साइक्लोन का उल्टा होता है, साइक्लोन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक वाइज चलता है, सडन हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज, तो भाई ये उसका उल्टा है, एकदम सही है। विंड डाइवर्ज एंड स्पाइरल फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, ये भी सही है भाई, उसमें सेंटर प्रेशर कैसा होता है, हाई, तो भाई इसमें आंसर हो जाएगा क्या, बाकी सब सही है, तो इट इज़ द राइट आंसर डी, तीन को छोड़कर बाकी सब सही है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो एंटी साइक्लोन में ये बहुत यूजफुल है, एंटी साइक्लोन में रेन नहीं होती, बाकी साइक्लोन का जस्ट उल्टा होता है। तो गाइज कैसा लगा ये सेशन, बढ़िया लगा, ठीक है, साइक्लोन पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है और कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपसे तक पहुंचा सकूं। तो भाई अगर आपको बढ़िया लगा है और हमारे साथ आपको जुड़ने में अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक हमारे इन वीडियोस को पहुंचाते रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो जो लोग अभी हमारे WhatsApp ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाए, है ना, WhatsApp ग्रुप का जुड़ने के लिए 9026162958 पर मैसेज करें,
ठीक। बाकी जितने भी लिंक्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते जाइए और जो भी चीज ना समझ में आए तुरंत हमारे साथ डिस्कस करिए गाइस। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले सेशन में फिर से कुछ नई चीजों के साथ। तो भैया आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।